सो गाइज, मैं घर से निकलते टाइम वीडियो शूट नहीं कर पाया था क्योंकि आज जो दिन है बहुत ज़्यादा बिजी दिन था। लेकिन आज मेरे साथ कौन है, मैंने आपको एक दिन बताया था वीडियो में, जो हमारे दूसरे एरिया का मार्केट देखते हैं, आकाश जी। देखिए अभी इस टाइम हमारी गाड़ी चला रहे हैं, ये बहुत परफेक्ट है मार्केट में। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि बाय प्रोफेशन ये टीचर हैं और इन्होंने MSc किया हुआ है, कोचिंग भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं और साथ ही साथ मार्केट भी देखते हैं, पार्ट टाइम मार्केट देखते हैं। और बहुत अच्छी कस्टमर हैंडलिंग है इनकी, हर एरिया से बहुत अच्छा रिस्पांस ये निकाल के देते हैं। इनके मार्केट में विजिट करना है और इनका यहाँ पे मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में मार्केट पड़ता है, किसनी और कुसमरा और एक है बेवर। मैनपुरी एरिया बहुत बड़ा है, सारा एरिया यही देखते हैं। आपकी बात करवाऊंगा कि आकाश जी क्या क्या फेस करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम इनको आती है, मार्केट बनाने में क्या क्या इनको दिक्कत आई, तो ये सारी बातें होती रहेंगी। इसी बीच पूछ लेता हूँ, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे एड्रेस आ रहा होगा। गाड़ी बहुत बढ़िया चलाते हैं, एकदम परफेक्ट ड्राइवर हैं। अगर जी बताइए आप क्या क्या फेस करते हैं मार्केट में, मतलब आपने जब स्टार्ट किया था तो बाय प्रोफेशन तो आप टीचर हैं, आप कोचिंग देते हैं और एक डिग्री कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, आज सबको पता लग गया। तो अभी आप ये बताइए कि आपके मन में आइडिया कहाँ से आया कि आप लुब्रिकेंट का भी काम स्टार्ट करेंगे और कर सकते हैं इसको भी, कहाँ से आया? मार्केट में जाने से पता चला था मार्केट में क्या रूल्स चल रहे हैं, कैसे चलना है, कैसे फॉलो करना चाहिए मार्केट को। तो एक दिन अचानक विचार आया जो ऑयल का है, ऑयल का बिजनेस करना चाहिए हमें। ओके। तो आप कर ही रहे थे, आपसे मोटिव होके हमने ऑयल का बिजनेस लिया है। फिर मार्केट जाते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट लेते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वहाँ पे, तो उसी हिसाब से फिर हमने स्टार्ट किया। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड जाता है बेवर से इटावा की तरफ और कहीं कहीं रोड ख़राब है लेकिन ज़्यादातर रोड सही है। तो हमारे साइड सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तक जितने भी रोड्स हैं सब एकदम बढ़िया। तो आप देखो रोड पे बहुत ही कम ट्रैफिक है और टाइम देखिए, आप टाइम हो रहा है 4:04 अभी, तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं रास्ता। गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आकाश जी मार्केट करते हैं तो आकाश जी बता रहे हैं कि मार्केट में जो है कस्टमर आपको हर टाइप का मिलेगा, सस्ता प्रोडक्ट भी चलाता मिलेगा और ब्रांडेड भी चलाता मिलेगा। तो यही होता है मार्केट का रूल कि भाई जो भी जैसा प्रोडक्ट मांगता हो उसको आप देने की कोशिश करें। अगर कोई सस्ता प्रोडक्ट मांग रहा हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो मिड रेंज की कंपनियां हैं उनके साथ जुड़ जाइए, तो उनसे आप डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़िए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल थर्ड क्लास डेली में कोई भी ब्रांड आप चलाने लगें तो वो तो बेकार है। लेकिन अगर आप सूरत बेस्ड, गुजरात बेस्ड या महाराष्ट्र में बहुत सारी लुब्रिकेंट की कंपनियां हैं तो उनका अगर आप चलाएंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आकाश जी ये भी बताइए कि आपको परेशानियां कहाँ कहाँ आती हैं मार्केट में, जैसे कस्टमर का क्या रिएक्शन रहता है जब आप उसको अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं या उसको चलवाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या कहता है आपसे? देखो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड प्रोडक्ट है, बिल्कुल इंसान देख के ही पकड़ के ही समझ लेता है मोटोल है, अच्छा प्रोडक्ट है, तुरंत समझता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कुछ बंदे बाहर से आ जाते हैं रेट खराब करने के लिए, हम कुछ रेट में दे रहे हैं वो कुछ और रेट में देने लगते हैं, वो सस्ता देते हैं, डुप्लीकेट भी देते हैं, डुप्लीकेट देते हैं, मैन बात है डुप्लीकेसी। हाँ डुप्लीकेसी, कैस्ट्रॉल वगैरह में तो बहुत ज्यादा है और अपने मोटोल में अभी नहीं, मोटोल में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग भड़काने के लिए देते रहते हैं। अच्छा आकाश जी ये बताइए कि जैसे आप मैंने तो भाई आपका डेटा मेरे पास रहता है तो मैं देखता हूँ कि आप सबसे ज्यादा तो 40 का मार्केट करते हैं और 40 के अलावा मैंने देखा आप CNG बहुत ज्यादा सेल आउट करते हैं, तो CNG के कस्टमर आपने कैसे बनाए हैं? CNG की अपने यहाँ रिक्वायरमेंट ज्यादा थी यहाँ पे, अभी थ्री व्हीलर आ गए हैं, थ्री व्हीलर आ गए इस वजह से। और ये हम लोगों का एरिया जो है वो 92 हाईवे से जुड़ गया है, थ्री व्हीलर ज्यादा आ गए यहाँ पे और इधर CNG पंप भी ज्यादा है, तो फिर CNG अच्छा खासा निकलता है यहाँ से। अच्छा ऐसा 40 का क्या रिस्पांस रहता है आपके मार्केट में इधर?
फोर्टी का आपका दो तीन प्रोडक्ट है, 1.15 वो अच्छा निकलता है, रन आपका जो प्रो वो सबसे अच्छा निकलता है, रन प्रोडक्ट क्योंकि वो सस्ता है और उसका जो है डिमांड ज्यादा है, डिमांड अच्छा है, ऑयल अच्छा है उसका, उसका ऑयल भी अच्छा है, ये तो बात है। आकाश जी पेमेंट वगैरह कैसे आप कलेक्ट करते हैं लोगों से? हमारा शेड्यूल है, सप्ते में एक दिन हम पेमेंट का रखते हैं और एक दिन रखते हैं डिलीवरी माल का। ओके ओके, तो एक दिन हमारा ऐसे संडे है हमारा, तो संडे का हम पेमेंट लेंगे पूरे एरिया से, संडे का हमारे पास पेमेंट आएगी और पेमेंट आने के बाद हम मंडे को माल भेजते हैं। ओके ओके ओके, मतलब आपका शेड्यूल ये रहता है कि पिछला क्लियर करो और फिर पिछला क्लियर हो फिर नया माल लो। ओके ओके, बहुत दिन से मैं ही गाड़ी चला रहा था तो आज मुझे अच्छा ड्राइवर भी मिल गया है इनके रूप में, तो मैं साइड में बैठ के आराम से मौज कर रहा हूँ। फिलहाल आकाश जी से और बातें जो है चलती रहेंगी। तो देखिए एक एक छोटी सी वर्कशॉप है अमित ऑटो सेंटर, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, छोटा है लेकिन शॉप बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा सर्विसेज आती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था हमारा प्राइम फोकस रहता है शॉप छोटी हो या बड़ी सबसे चलवाना। तो देखिए यहाँ पे अपना मोटर सबसे ज़्यादा चलता है, उसके बाद इनके पास कैस्ट्रॉल है, कैस्ट्रॉल भी चलता है, एक्टिव है, लेकिन इधर काम बहुत आता है। और यहाँ पे ये जो है छोटा सा अपना शॉप को देखता है, अच्छा काम है इनका और हम लोग ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को। मैं जनरली बड़ी जगह जो बड़ी शॉप होती है वहाँ तो सर्टिफिकेट नहीं देता हूँ, लेकिन जो हमारे थोड़े से छोटे कस्टमर होते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनको सर्टिफिकेट मैं खुद दूँ। इसका रीज़न है कि अप्रिशिएट होते हैं वो बहुत लोग। तो आ जाओ भैया अमित, तो देखो हमारे पास इधर हो खड़े हो, तो देखो हमारे पास है अमित और इनको मैं सर्टिफिकेट ये दे रहा हूँ। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। आकाश जी ने जब शुरू किया था ये बिज़नेस आज से कुछ एक साल पहले और फर्म के साथ जुड़े थे, तो मैंने ही इनको ये एरिया जो है वो असाइन किया था कि इस एरिया में आप देखिए। जब बाइक से जो है मार्केट जाते थे और शुरुआत में बहुत दिक्कत भी होती थी, अभी भी हालांकि बाइक से जाते हैं लेकिन हम लोग कोशिश यही करते हैं कि भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा लोगों का सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि इधर के एरिया में डिलीवरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। एक तो आजकल फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और दूसरा ऑर्डर भी पार्ट्स में आता है, एक एक साथ ऑर्डर नहीं आता, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे कि इधर के लिए भी एक लोडर अवेलेबल हो और बल्क में ऑर्डर निकले। एरिया में सेल है वो कुछ 1000 लीटर की सेल है, तो वो थोड़ी सी कम है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि ये सेल जो है इस साल कम से कम 2000 लीटर बढ़ेगी। आकाश जी आप क्या कहते हैं? अगर हम मेहनत करेंगे इस क्षेत्र में, अगर हम मेहनत करेंगे सुबह शाम देखेंगे मार्केट, तो हमें उम्मीद है कि हम सेल बहुत अच्छी निकालेंगे। जल्द ही आपको भी मजबूर करेंगे इस एरिया में लोडर या गाड़ी देने का, आप खुद दोगे यहाँ पे? नहीं नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ। हम सारे ही अपनी फर्म में एक टीम की तरह काम करते हैं, टीम के दो मेंबर और हैं जो अलग अलग मार्केट देखते हैं, उनसे आपकी बात नहीं करा पाई है, उनसे भी बात कराऊंगा आने वाले टाइम में। आपके पास पेमेंट कलेक्शन आता है तो आप लोगों को बताइए कि लोग अक्सर मैनेज नहीं कर पाते हैं कि पेमेंट आया खर्च कर लिया, तो कैसे उसको मैनेज करना चाहिए सो दैट उनका जो फर्म है वो आगे बढ़ सके?
देखो आपका जो पेमेंट है नॉर्मली आपका जो खर्चा है पेट्रोल खर्चा खाने का खर्चा वो आप निकाल लीजिए, फिर आप एक अकाउंट खुलवाइए। हम तो सबसे अच्छी राय देते हैं आप अकाउंट एक खुलवाइए, रोज का रोज उसमें ही डिपॉजिट करते रहिए तो आपका सबसे बेनिफिट होगा। ओके ओके ओके। फिजूल का आप जेब में पैसा रहेगा तो खर्च होगा ज्यादा ज्यादा, केवल उतना ही खर्च निकालिए जितना पेट्रोल का है खर्चा है। अगर हम ज्यादा खर्च करेंगे तो एक दिन आपकी फर्म बेकार हो जाएगी, आपका बिजनेस खराब होगा, मजा नहीं आएगा फिर। अच्छा आकाश जी, आप मैंने सुना है कि आप अपने कस्टमर से, जैसे आपने नए कस्टमर बहुत बनाए हैं, तो आप उनको मतलब कैसे जो है टारगेट करते हैं? जब नए कस्टमर होते हैं तो वो चलाने में थोड़ा वो लेते हैं कि और भी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग स्कीम दे रहे हैं, तो हमने भी स्कीम थोड़ी बहुत निकाल दी है अपनी। जैसे कुछ लीटर बेचोगे तो मिक्सी देंगे हम, एसी देंगे आपको, फ्रिज देंगे, तो ये स्कीम चलती रहती है हमारी कुछ लीटर पे हमारी स्कीम। ओके ओके, क्योंकि मोटोल ऑलरेडी ब्रांडेड है, ब्रांडेड है तो फिर ऐसे नहीं दे सकते ना। तो हमारे एक कस्टमर है KGN ऑटो के नाम से, इनका ये शॉप है, कुछ ऐसा सेटअप है, देख सकते हैं अच्छी शॉप है, मोटोल के अच्छे प्रोडक्ट हमारे चलाते हैं सबसे ज़्यादा। और नीचे इनका वर्कशॉप है इस साइड बेसमेंट में, और यहाँ से देखिए, तो देखो यहाँ पे अपने जो कस्टमर हैं यहाँ पे रन सबसे ज़्यादा चलाते हैं ये, इनकी शॉप है कैस्ट्रॉल का, इन्होंने ओपन रख रखा है बिकॉज़ इनकी शॉप में जगह थोड़ी सी कंजस्टेड है क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रोडक्ट भरा हुआ है। किस नाम से शॉप है तो ये शॉप देख रहे हैं, ये योगेश जी की शॉप है, और अभी इन्होंने मोटुल नया नया शुरू किया था तो यहाँ पे अपना मोटुल भी चलाते हैं। बाकी और ब्रांड्स में ये यहाँ पे सर्वो चलाते हैं, कैस्ट्रॉल है, गल्फ है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन मोटुल की भी अच्छी खासी यहाँ पे सेल है। इसमें 75 का कूपन है, इसमें 100 का है, शायद 6 कूपन पे एक पीस इसका फ्री है, कूपन पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, कूपन पे ऊपर है, कूपन पे सब लिखा है, 6-7 का। तो देखिए अभी हम लोगों ने बनाया है एक ये नया काउंटर, और ये जानते नहीं थे। हाँ, एक एक दोनों पीस देने हैं, एक सिंथेटिक भी देना है, कम से कम हमने 5 दिन ट्राई किया और एक मिनरल भी देना है। तो ये बिल्कुल नया काउंटर है और यहाँ पे पहली बार दे रहे हैं। खराब हो चुकी है, टाइम बढ़ता ही जा रहा है और अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, भूख भी लगी है। टाइम 6:11 हो रहा है, शाम का टाइम है, और मैं निकला तो कुछ 2 बजे, बहुत धूप थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, दिक्कत भी हो रही है। तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इनरोल कर रहे हैं स्कीम्स के अंदर। मौसम अभी थोड़ा अच्छा हो गया है, गर्मी नहीं लग रही, लेकिन जब मैं आकाश जी के पास आया था दोपहर में तो उस टाइम कुछ टेम्परेचर 38°C हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अभी मन कर रहा है कहीं बहुत बढ़िया गन्ने का जूस मिल जाए, क्या आकाश जी आप क्या बोलते हो, गन्ने का जूस? हाँ बिल्कुल, बहुत गर्मी, कुछ मिले, अब शाम हो चुकी है ना, अब शाम हो चुकी है। और आकाश जी ने क्या किया है आज कि जब कलेक्शन ये करते हैं तो अगला पिछला करते हैं, मैंने बताया आपको, तो आज काफी ज्यादा कलेक्शन भी हुआ है आकाश जी का। कैसा लगा आज का मार्केट करके आप? आज का मार्केट आपके साथ करके बहुत अच्छा लगा, मजा आया? मजा आया, चलिए बहुत बढ़िया बात है। क्या अलग फील किया आपने मेरे साथ मार्केट करके? आज एक अलग सा फील आया, आज आप आए हो तो कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ है, सारी चीजें प्रॉब्लम जितनी भी थी आपने फेस की है, आज की प्रॉब्लम। अभी इनका पहले दिन का मार्केट मैंने किया है, मैं कोशिश करूंगा कि आकाश जी का मार्केट लगभग हर एक महीने में विजिट करता रहूं। यार देखो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, काफ़ी एरिया का मार्केट है तो जाने में भी दिक्कत होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक महीने में सारे मार्केट में चक्कर लगा दूं। मैं एक टीम की तरह काम करता हूं, सबको मोटिवेट करता रहता हूं, मेहनत भी खुद ही करता हूं। जब बात लेबर की आती है तो मैं लेबर वाला काम भी करता हूं, जैसे मुझे बॉक्स रखने हैं उठा के, तो मैं वो भी करता हूं, मैं बिलिंग भी करता हूं
और मैं, आपने देखा मैं चश्मा लगा के घूम भी लेता हूँ, तो ऐसे मस्ती कर लेता हूँ। आकाश जी क्या कहते हैं ये हमारे लिए सही? हमारे लिए आप बड़े भाई समान हैं, आपका आना हमारे लिए सौभाग्य प्राप्त है। आज इतना अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपका आना मार्केट के लिए बहुत अच्छा, सारे कस्टमर सेटिस्फाई हो गए हमारे, जितने भी कस्टमर थे जो भी समस्याएं थी उनकी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई आपके यहाँ। हर एक लड़का अपनी कैपेसिटी और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो उससे ज़्यादा तो उससे काम नहीं कराया जा सकता। लड़के भी काफ़ी मेहनत करते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं और उनको दिक्कत भी होती है। देखो गाइज अभी सनसेट भी हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है सनसेट। अभी मैंने जूम किया है कैमरे को और मैंने आपको बताया भी है बहुत बार कि मुझे सनराइज़ और सनसेट दोनों ही देखना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपको भी सनसेट दिखा रहा था। आकाश जी के साथ मार्केट का एक्सपीरियंस कराया, आपको बहुत सी बातें भी बताई होंगी जो शायद आपके काम आएंगी, अगर आप लुब्रिकेंट बिजनेस में आएंगे तो आपके ऑफ कोर्स काम आएंगी। जो भी बताया है आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें बताई हैं, जो हम लोग फेस करते हैं वही इन्होंने बताया आपको। ये भी सीख रहे हैं तो मैं भी इनसे कहीं ना कहीं सीखता हूँ, ये भी मुझसे सीखते होंगे। तो आप लोग भी अगर कुछ नया मिलता है लोगों से सीखने को तो ज़रूर उससे सीखिए। तो मुझे लगता है कि वीडियो को यहीं एंड करना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे एड्रेस आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से रहिए। अगर जी बाय बाय।